बच्चे के जीवन के शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए काफी नहीं होता। क्या ये चिंता आपको सता रही है या आपने लोगों से ऐसा सुना है? ये पूरी तरह से गलत है। हर माँ के पास अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध होता है, और सच कहे तो शुरुआत के कुछ दिनों में स्तन से आने वाले दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसकी वजह है इस दूध में बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं, जो बच्चे के रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए जरूरी होता है। पहले 3 से 4 दिनों में आपके शरीर से जितना दूध आ रहा है वो आपके बच्चे की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। और सबसे जरूरी बात, ये दूध फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए फायदेमंद होता है।